हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस प्रिया टीवी। तो दोस्तों, आज की वीडियो है एक विंटर स्पेशल वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ विंटर स्पेशल लाइफ सेविंग हैक्स, जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को थोड़ा और इजी बना पाओगे विंटर्स में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। विंटर्स में ड्राइनेस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इससे बचने के लिए आपको नहाने से पहले करना है एक छोटा सा काम। आपको लेनी है थोड़ी सी मेल्ट की हुई घी, और आपको इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून ऑफ क्रस्ड या फिर पाउडर्ड शुगर, और इन दोनों को आप अच्छे से मिला लें, और उसके बाद आप अपनी स्किन पर इससे अच्छे से मसाज करें। तो इससे मसाज करने से क्या होगा कि घी आपकी स्किन को एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, और साथ ही जो आपकी स्किन का मॉइस्चर है उसे लॉक करने में हेल्प करेगा। और दोस्तों, जो शुगर होती है वो हमारी स्किन को अच्छी तरीके से लाइक उसकी जो डेड स्किन है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है, और साथ ही हमारे स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी इंक्रीज करती है। और अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसे प्लेन वाटर से वॉश कर लें, और इस तरीके से मसाज करने के बाद जब आप बॉडी वॉश का इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी, और साथ ही आपकी स्किन में ऑल डे लॉन्ग मॉइस्चर लॉक रहेगा, और आपको बार बार बॉडी लोशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवर द नीज बूट आर ऑलवेज इन ट्रेंड, लेकिन जब हम इन्हें पहन के चलते हैं तो ये जो है नीचे नीचे फॉल होने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कराते हैं, और साथ ही बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कि बार बार हम इसे ऊपर ऊपर स्ट्रेच करें। तो इससे बचने के लिए आपको करना है एक बहुत ही छोटा सा काम। आपको लेने हैं अपने बूट्स, तो जहाँ पे आपकी लेस की ओपनिंग है वहाँ पर आपको अपना इलास्टिक बैंड इंसर्ट करना है, और दूसरे एंड से आप इसे निकाल दें। अब आप अपनी इलास्टिक को अच्छे से स्ट्रेच कर लें, ताकि जितना भी कपड़ा है उसमें इलास्टिक पूरा अच्छे से फैल जाए, और उसके बाद इसका आप एक एंड काट के इनको अच्छे से स्टिच कर लें। और ऐसा करने से आपके बूट्स अपनी प्लेस पर टिके रहेंगे, और साथ ही बिल्कुल भी नीचे नहीं आएंगे, और आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे। सो गाइस, विंटर्स में हमारे पास होती है बहुत सी कारीगन्स, और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक कारीगन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक टॉप में, और जो कि बहुत ही डिसेंट एंड सेक्सी बोथ लगता है। और इसके लिए आपको अपनी कार्डिगन को उल्टा पहनना होगा, यानी कि बैक साइड आपकी फ्रंट में आएगी, और फ्रंट के जो बटन्स होते हैं वो आपके बैक में आएंगे। और अब आप अपनी कार्डिगन के बैक साइड के दोनों एंड्स को पकड़ लें और इसे पीछे की तरफ ले जाएं, और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मेटेलिक बैंगल की, और इस मेटेलिक बैंगल के अंदर आपको अपने दोनों स्वेटर के जो एंड्स हैं उन्हें इंसर्ट करना है, और अब इन दोनों एंड्स को आप अपोजिट डायरेक्शन में ले जाकर आगे की तरफ, यानी कि जहाँ पर आपका नेवल है वहाँ पर आप इसे टाई कर लें। टाइट पार्ट को हाइड करने के लिए अपनी स्वेटर को आप थोड़ा सा बाहर की तरफ को पुल करें, ताकि ये एक क्लियर लुक दे। और यहाँ कन्वर्ट हो गया है आपका कार्डिगन इनटू अ सेक्सी एंड एलिगेंट टॉप। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होती है विंटर्स में वो होती है हमारी स्वेटर्स के साथ। तो मोस्टली जो हमारी स्वेटर्स होती हैं उनमें से ग्रॉस बंचेस ऑफ फाइबर्स निकलने लग जाते हैं, आपने देखा होगा, जिसे हम कहते हैं बुर। लाइक ये जो फाइबर्स होते हैं आपकी स्वेटर का ही थ्रेड होता है, लेकिन वो बाहर की तरफ आते हैं कुछ लाइक बहुत ही पिली स्वेटर दिखने लगती है वो, और वो काफ़ी डर्टी और अगली लगता है। और इसके लिए आपको चाहिए एक रेज़र, और अब इस रेज़र को लेकर जहाँ पर भी आपकी स्वेटर में बुर निकले हुए हैं या फिर ग्रॉस बंचेज ऑफ फाइबर्स हैं वहाँ पर आप इस रेज़र की मदद से रब करें। और अगर आपकी स्वेटर के बुर जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं निकल रहे हैं, तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में भी इस रेज़र को अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्वेटर के जो ग्रॉस बंचेज हैं फाइबर्स के रिमूव हो पाएँ, और साथ ही इससे क्या होता है कि आपकी स्वेटर भी डैमेज नहीं होती और आपकी स्वेटर क्लीन भी दिखने लगती है। सो गाइस, विंटर्स में कैप पहनना सबको बहुत पसंद होता है, और अगर कैप के साथ आप थोड़ी सी फ्लिक्स भी निकाल लें तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप फॉल्स फ्लिक्स क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस, इसके लिए आपको लेना है अपने बालों का फ्रंट सेक्शन, और इस सेक्शन को आपको जिस तरीके से वीडियो में दिखाया उस तरीके से रोल ऑन करना है, लाइक एक बहुत ही मिनी जूड़ा बनाना है, और जो एक्स्ट्रा जो हेयर है आपके उनको लेकर आपको अपने फोरहेड पर रख देना है। तो ये आपके लाइक फ्लिक्स बन जाएंगी, और इन फ्लिक्स को सिक्योर करने के लिए आप अपनी हेयर क्लिप को लेकर अपने इस मिनी जुड़ा पर अच्छे से लगा लें, और इसके बाद आप अपनी कैप पहन लें, और आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक कितना क्यूट लग रहा है, और साथ ही ये जो फॉल्स फ्लिक्स हैं ये बिल्कुल भी फॉल्स नहीं लग रही हैं। सो गाइस, समटाइम्स इट हैपन्स कि हमारे जो बूट की लेंथ है वो हमारे ड्रेस की लेंथ के साथ मैच नहीं करती है। तो इसे मैच कराने के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक छोटी सी ट्रिक। आपको करना है एक छोटा सा काम, अपने बूट का जो कलर है उसका सेम कलर की आपको अपनी सॉक्स भी लेनी है। लाइक अगर आपके ब्लैक बूट हैं तो आप ब्लैक कलर की सॉक्स लें, और जितनी लेंथ आप बूट की बढ़ाना चाहते हो उतनी ही लेंथ की आप सॉक्स वियर करें, और ऐसा करने से हमारे बूट की लेंथ भी बढ़ जाती है, और साथ ही वो एक बहुत ही परफेक्ट लुक देते हैं। और गाइज, अगर आप अपने एंकल लेंथ बूट को ओवर द नी बूट बनाना चाहते हैं तो आप सिमिलर कलर की नी लेंथ की सॉक्स वियर कर सकते हैं।
तो कुछ कुछ स्वेटर्स का फैब्रिक ऐसा होता है जिन्हें पहनने से हमारी स्किन में इचीनेस फील होती है। तो इस इचीनेस से बचने के लिए आप सबसे पहले अपनी स्किन पर कोई भी अपना बॉडी लोशन लेकर अच्छे से अप्लाई कर लें ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो पाए और साथ ही आपकी स्किन से ड्राइनेस रिमूव हो पाए। क्योंकि गाइज अगर आपकी ड्राई स्किन होगी तो आपकी स्किन में फ्रिक्शन कॉज होगा। और इसके बाद कोई भी आप अपना बॉडी हगिंग टॉप पहन लें जो कि आपकी नेक को भी कवर करे और साथ ही आपके फुल हैंड्स को भी कवर करे। तो ऐसा करने से हमारी स्वेटर जो है उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हमारे स्किन में भी नहीं होगा और साथ ही क्योंकि हमारी स्किन ड्राई नहीं है तो इसमें कोई इचिनेस भी नहीं होगी। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि विंटर एक पार्टी सीजन भी होता है लेकिन यहाँ पर हमें कपड़ों के उतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं पहनने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी समर ड्रेस को कन्वर्ट कर सकते हो एक विंटर ड्रेस में। तो अपनी समर ड्रेस को विंटर ड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप अंदर से अपना कोई भी इनर या फिर कोई स्विम सूट पहन लें जो कि आपकी बॉडी को टाइटली हग करे। इसके बाद आप अपनी ड्रेस पहने और अपर लुक को कम्प्लीट करने के लिए आप कोई भी कार्डिगन या ब्लेजर इसके ऊपर से डाल लें। एंड गाइज अगर आपकी ड्रेस की स्लीव्स बड़ी हैं तो आप इनर को स्किप भी कर सकते हैं। और गाइज अपनी लेग्स को कवर करने के लिए आप समर स्टॉकिंग्स की जगह विंटर स्टॉकिंग्स पहने जो कि आपकी स्किन में बिल्कुल भी एयर को जाने नहीं देती है और आपको वार्म रखती हैं। और इस लुक को कंप्लीट करने के लिए आप फाइनली अपने बूट वेयर करें। तो गाइज यहाँ खत्म होती है मेरी आज की हैक्स वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।